नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 3 चैनल एलईडी चेजर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा 3 पीस BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद ये 3 ट्रांजिस्टर का 3 एमिटर पॉइंट्स हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा 3 पीस 47 के रजिस्टर। उसके बाद एक 47 के रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ, दूसरा 47 के रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ और तीसरा 47 के रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद ये 3 रजिस्टर का बाकी 3 पॉइंट्स हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा 3 पीस 100UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद एक कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ और नेगेटिव पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दूसरा कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ और नेगेटिव पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद तीसरा कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ और नेगेटिव पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा 3 पीस एलईडी बल्ब और 3 पीस 1K रजिस्टर। उसके बाद ये 3 एलईडी बल्ब का 3 पॉजिटिव पॉइंट्स हम एक साथ इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद एक 1K रजिस्टर हम इस एलईडी के नेगेटिव पॉइंट के साथ और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दूसरा 1K रजिस्टर हम इस एलईडी के नेगेटिव पॉइंट के साथ और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद तीसरा 1K रजिस्टर हम इस एलईडी के नेगेटिव पॉइंट के साथ और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक 3 चैनल एलईडी चेजर सर्किट अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।